नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते ट्राई दीज के जो सेवन्थ यूनिट है उसमें पार्ट नंबर सेवन्थ पे चलते हैं। ये देखिए, और यहां पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, हमें बताना विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट क्यूब, हमें बताना कि क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आइए इसको करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले टू से तो होगा नहीं क्योंकि फाइव आया हुआ है। अब इसके अंदर बच्चों, अब इसके अंदर हमें देखना थ्री से ये होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, थ्री के लिए हम इनको ऐड करते हैं, फाइव और टू सेवन, सेवन और टू नाइन। जी हाँ, थ्री नाइन थ्री के टेबल्स में आता है तो इसका मतलब थ्री से हो जाएगा। आइए थ्री से करते हैं, थ्री सिक्स जा एटीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं देखिए ट्वेंटी था, एटीन इसमें से माइनस हो गया तो बच गया टू। ठीक है, आगे आ गया टू, तो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन। ठीक है बच्चों, फिर बच गया वन और फाइव, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब फिर थ्री से लेना है। ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पे सेवन था, थ्री टू जा सिक्स, वन बच गया, फाइव थ्री फाइव जा फिफ्टीन। इस प्रकार आप करके देख सकते हैं। आप थ्री से देखिए, हाँ जी नाइन है, थ्री के टेबल्स में आता है तो थ्री से फिर लेंगे, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन और थ्री फाइव जा फिफ्टीन। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब फिर अब ये थ्री से, हाँ जी थ्री से हो जाएगा, थ्री से थ्री टू जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टीन। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं फाइव से, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव वन जा फाइव। आइए इसके फैक्टर लिख लेते हैं, टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव, वन थ्री हमारा फोर टाइम्स, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर और फाइव टू टाइम्स आया, फाइव इंटू फाइव। आइए ग्रुप बनाते हैं, ये बन गया ग्रुप, एक तो ट्रिपल्स का आगे ग्रुप नहीं बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होता तो ग्रुप बन जाता, तो लिख देंगे 2025 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट नंबर एट लास्ट पार्ट है। आइए देखते हैं, 10,648, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एट आया तो टू से हम करेंगे, टू से टू फाइव जा टेन, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू से फिर कर, टू से टू टू जा फोर। ठीक है, फोर लास्ट में है तो हो जाएगा, टू से वन बच गया, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू से टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू। अब ये टू से होगा नहीं। अब ये बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये होगा इलेवन से। ठीक है, इसको इलेवन से करेंगे, इलेवन का है ये क्यूब, इलेवन वन जा इलेवन, टू और थ्री ट्वेंटी थ्री, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, इलेवन वन जा इलेवन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप कर सकते हैं, डिवाइड भी करके आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे डिवाइड भी आप करके देख सकते हैं, तो इलेवन वन जा इलेवन, वन बच गया वन, इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन से इलेवन वन जा इलेवन। आइए इसको लिखिए, 10,648, टू इंटू टू इंटू टू इंटू इलेवन इंटू इलेवन इंटू इलेवन। ये ग्रुप बन गया ट्रिपल्स का, ये ग्रुप बन गया ट्रिपल्स का, तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। आइए हम लिख देते हैं, 10,648 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आइए बच्चों, ये तो बच्चों ये थे कुछ पार्ट ट्राई दीज के जो मैंने आपके लिए सोल्व किए हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।